आजमगढ़नौबाद में भाजपाइयों ने अटल जी के जयंती समारोह पर मनाया सुशासन दिवस। सिकरौर मंडल के नंदवाओ बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी के जयंती समारोह के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। अटल जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्याम नारायण सिंह सदर लोकसभा संयोजक आजमगढ़ रहे। वही अमीर प्रताप अस्थाना प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान जिला अध्यक्ष आजमगढ़ भी मौजूद रहे। यह समारोह सिकरौर मंडल अध्यक्ष सुखु धरिकार की देखरेख व अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि व अमित प्रताप अस्थाना ने सरकार की योजनाएं और कार्यों के बारे में बताया। पेश है सुप्रीम टीम संवाददाता पवन सिंह की खास रिपोर्ट। 25 दिसंबर ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती समारोह पर भाजपा मना रही है सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। आपका परिचय? डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश शासन ने होम्योपैथिक बोर्ड का सदस्य नॉमिनेट किया है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा आजमगढ़ का संयोजक। तो आज आप लोग किस तरह का यहाँ मना रहे हैं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हर मंडलों पर अपने प्रवासियों के माध्यम से सुशासन दिवस मनाने का काम कर रही है। आप यहाँ पे आए कार्यकर्ताओं और जनपद यहाँ क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उसको लिखित रूप से आप देंगे और उसका निश्चित रूप से निराकरण होगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अधिकारी लापरवाही करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूरे देश में एक डर का माहौल कुछ माइनॉरिटीज में बना हुआ है एनआरसी को लेकर के, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? माइनॉरिटी के अंदर किसी प्रकार की डर की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनॉरिटी इस देश का नागरिक है, इस देश का नागरिक रहेगा और जहां तक जो है विपक्षी दल के लोगों ने उन लोगों को भड़का करके कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से बाहर कर देगी, सरासर गलत है। इसका बयान नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह दोनों ने दे चुके हैं। एक छोटा सवाल हमारा ये है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सड़क और आवास के जनक कहे जाते हैं, लेकिन आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और आज इसमें जो आवास आवंटन हो रहा है, यहाँ की प्रदेश सरकार शौचालय आवंटन कर रही है, उसमें प्रधानों द्वारा कुछ लोगों का शोषण किया जा रहा है और उसमें कुछ जैसे 1,20,000 रुपये जो मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसमें से 20,000 रुपये 30,000 रुपये लेकर आवंटन किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में हमें यही कहना है कि अगर पक्की जानकारी जिस भी ग्राम सभा की अगर आप लिख करके देंगे और उसकी जाँच कराई जाए, अगर प्रधान दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समारोह किया जा रहा है, आप यहाँ उपस्थित हुए, अपना परिचय बताएं और इस समारोह के बारे में बताएं। मैं अमित प्रताप अस्थाना आजमगढ़ से प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का जिला अध्यक्ष हूँ, जिसके तहत समस्त लोगों को, समस्त जनपद वासियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में बताना है, उसका सबको लाभ पहुँचाना है, जन जन तक किसको, आखिरी व्यक्ति तक किसका लाभ सबको पहुंचाना है। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसी से संबंधित हमको यहां नियुक्त किया गया है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमसे या हमारी कार्यकारिणी टीम से संपर्क कर सकता है। हमारी कार्यकारिणी जो है बहुत जल्दी घोषित होने वाली है। अभी जो इसमें अभी प्रधानों द्वारा उत्पीड़न हो रहा है कुछ लोगों का, जो पीड़ित हैं आपसे मिलके मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसका निराकरण जो है SDM के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से या जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्य योजना की कुछ योजनाओं के बारे में 2-4 योजनाओं की मुख्य योजनाएं बता सकते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है और सुकन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिस भी व्यक्ति को या जो भी इससे वंचित है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर, हमारी ऑफिस है जिले में, बहुत जल्दी इसके बारे में सबको सूचना दे दी जाएगी पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से।